सो दोस्तों, यहाँ पे आप इस कॉलेज की पार्किंग देख सकते हो, बहुत बड़ा एरिया है पार्किंग के लिए, और हमने भी हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सिद्धार्थ मौर्य और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आए हैं जीएच रायसोनी यूनिवर्सिटी के अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये मेन बिल्डिंग यहाँ की, और ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट भी यहाँ पे है। सो आज हम जाने वाले इस कॉलेज के अंदर। वैसे तो आज संडे है, पर नहीं कि आज कॉलेज देखेंगे हम अंदर घूमते आएंगे तो, और कॉलेज के अंदर जाएंगे हम आपको पूरा इस कॉलेज का रिव्यू बताएंगे। कैंटीन चलूंगे तो कैंटीन के अंदर जाएंगे, पर आज स्टूडेंट्स नहीं है सो उनसे हम बात भी नहीं कर पाएंगे। सो अभी चलते हैं हम कॉलेज के अंदर। और आपको कॉलेज का हमारा पार्ट 7 है, इसके पहले भी हमने 6 कॉलेज की रिव्यू डाल दी है हमारे चैनल पे। आपने वो चेकआउट नहीं किए होंगे तो उसे जरूर चेकआउट करें। ऊपर मैंने आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक डाली है, आप वो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने अमरावती के जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के लिए वो डाले हैं, सो आप उसे भी जरूर चेकआउट करें। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो गाइस, हम कॉलेज के अंदर है और देखो यहाँ पे एक पूरी मशीन लगी है। सो यहाँ पे नोट टाका है, इंसर्ट मनी, तो कहीं घेता है, ट्राई करता है। सो गाइस, हम देखेंगे अभी ये मशीन चलती भी है कि नहीं। तो अभी हमारे पास 10 रुपये चेंज है, तो सबसे पहले हम कुछ तो भी ट्राई करेंगे। सो 12 नंबर का हमें चाहिए, तो अभी हम उस पर 12 डाल देते हैं। अभी इसके अंदर 10 रुपये प्राइस आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो। डालू अब, चेंज हो गई है। सो अभी हमने मनी डाल दी है, प्लीज इंसर्ट। भाई पैसे डाल दिए मैंने, वो वापस निकल गए वापस। एग्जैक्ट मनी भाई, पैसे वापस मिल गए। एग्जैक्ट मनी नहीं थी तो इसलिए डाल के लगता, पर हमने डाले है। देखो 4 रुपए और 5 और 5। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं एडमिशन सेल के अंदर से। सो उन्होंने बताया कि ये सीईटी थ्रू लिंक नहीं है कॉलेज। सो यहाँ पे जब हमें एडमिशन करनी होगी तो डायरेक्ट जो मैनेजमेंट कोटा रहता है, मतलब वही फीस पेमेंट करके अपन को यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएंगी। और सीएस, AIDS वगैरह, और बाकी जो भी ब्रांचेस है, सिविल इंजीनियरिंग और टेली कम्युनिकेशन वगैरह जितने भी ब्रांचेस है, वो सब इस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है। सो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हो वैसे तो। और बाकी क्या बताओ आपको इस कॉलेज के बारे में, अभी थोड़ा घूम ही लेते हैं हम कॉलेज को ज़रा, और आप देख लो कैसा है कॉलेज। तो सो गाइज, अभी हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं इस कॉलेज के, और आप देख लो ऐसे पीछे की बिल्डिंग वगैरह पूरी, ये मेन बिल्डिंग के अंदर ही है अभी। और जाएंगे अभी हम एक दो क्लासरूम के अंदर, वो भी देख लेंगे कैसी यहाँ की क्लासरूम्स। और इस कॉलेज के अंदर भी लिफ्ट है, जैसे कि हमने राम मैगी के कॉलेज की वीडियो में देखा था कि लिफ्ट है। सो यहाँ पे आप बैक साइड में देख सकते हो, ये यहाँ की लिफ्ट है। और यहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम्स है, कंप्यूटर लैब भी इसी फ्लोर पे है, सो हम वहाँ पे भी जाएंगे। सो भाई अभी हम डायरेक्ट जाएंगे लिफ्ट से। सो अभी सेकेंड फ्लोर पर चलते हैं। अभी मैंने सेकेंड फ्लोर पर हमने प्रेस कर दिया है। तो अभी सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे हम, और वहाँ से हम बाकी कॉलेज देख लेंगे, और कंप्यूटर लैब भी हम जाके देख लेंगे। फिर कैसा लग रहा था कॉलेज? ठीक है। बाकी कॉलेजेस की नहीं कि इस कॉलेज में भी बहुत सारे डोर्स को लॉक लगे, सो एक आधा डोर ओपन होगा तो हम जाएंगे अंदर, थोड़ा क्लासरूम भी दिखा लूंगा आपको मैं। बाकी ये देखो, आप ऊपर के साइड में देख सकते हो लाइब्रेरी, मुझे यहाँ से दिख रही है, वो दिख रही है ना आपको कांच की, वहाँ पे लाइब्रेरी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासरूम। सो अभी हम इसको डोर पर खोल जा सकते। सो देख सकते हो आप इस कॉलेज की क्लासरूम ऐसी है कुछ, और यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं। अरे रे ओ भाई, खोल ना दरवाजा, मेरे को छोड़ के मत जाओ, मेरे को लॉक कर दिया। मुझे अपने घर जाना है। हाँ आने दे भाई मेरे को। यहाँ पे एक ट्यूटोरियल रूम दिख रही है, ट्यूटोरियल रूम 1। तो
यहाँ पे भी देख लेते हैं हम जाके। सो भाई ये रूम तो पूरी खाली पड़ी है, क्या पता कुछ तो भी इन कंस्ट्रक्शन ही है। चलो हम दूसरी जगह देखते हैं। डोर लगा ले रहे आलोक। देख सकते हो हमारे साथ एक दोस्त आया था, हमने उसको नीचे बैठा दिया क्योंकि बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो। पूछा किसी ने? सो यहाँ पे भी क्लासरूम्स है। और ये देखो आप अच्छे से अभी देख सकोगे मेरे बैक साइड में गैलरी है, लाइब्रेरी, आपको मैं दिखा देता हूँ। गाइस अभी हमें कंप्यूटर लैब के सामने, और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक है। सो यहाँ पे तो हम नहीं जा सकेंगे, अब देखते हैं सिर्फ लाइब्रेरी का डोर खुला होगा तो हम लैब के अंदर जाके ज़रूर देखेंगे। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं ऊपर के फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर के ऊपर है अभी हम, और यहाँ की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे आप देख सकते हो लॉक लगा है। सो अभी हम लाइब्रेरी के अंदर तो नहीं जा सकेंगे, तभी भी यहाँ पे कांच का डोर है जो मैं आपको अंदर का दिखा देता हूँ। सी लाइब्रेरी है इसके अंदर। और ऐसा ये कॉलेज आपको कैसा लग रहा आप हमें बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो गाइस अभी हम कैंटीन के सामने हैं, पर अफसोस आज कैंटीन भी बंद है, हम आके फूड टेस्ट करके आपको नहीं बता सकेंगे। सो जाने दो, कैंटीन बंद है तो हम बाकी तो कुछ नहीं होता, कैंटीन बंद है पर हम बाकी जो बिल्डिंग्स है वो एक बार देख के आ जाते हैं। तो गाइस अभी हम कॉलेज के अंदर घूम रहे थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा लॉन है, और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारे चेयर्स भी ऐसे ही। सो बहुत बड़ा एरिया है, और इसके साइड में ही है थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह का कोर्ट वगैरह। सो गाइस हम वहाँ पे मेन बिल्डिंग थी, अब वहाँ से हम स्ट्रेट स्ट्रेट आए हैं, तो हमारे साइड में भी बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है आप देख सकते हो। सो ये जो बिल्डिंग है मैकेनिकल एंड सिविल डिपार्टमेंट की, यहाँ पे मैकेनिकल और सिविल के जो क्लासेस होते हैं वो होते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। और मेरे जो बैक साइड है, मतलब जो अभी आप देख सकते हो वहाँ पे फार्मेसी की बिल्डिंग, सो हम एक बार फार्मेसी की बिल्डिंग आपको दिखा देते हैं। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ फार्मेसी की बिल्डिंग के लिए, पर यहाँ पे बीच में नीचे थोड़ा गार्डन टाइप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बास्केटबॉल का एक कोर्ट है, और साइड में जो अपन के गार्डन में लगे रहते छोटे छोटे झूले वो भी है, तो ऐसा है कुछ। सो अभी हम जाते हैं फार्मेसी की बिल्डिंग, बाहर से हम आपको दिखा देंगे। सो गाइस अभी हमने जो पूरा कॉलेज है वो देख लिया है, यहाँ पे बहुत सारे और भी इधर दो बिल्डिंग्स है, और मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो कि नहीं क्या फार्मेसी की बिल्डिंग आप देख सकते हो, स्कूल ऑफ फार्मेसी। सो ऐसा है इसका पूरा कैंपस GH रायसोनी का। आपको वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक ज़रूरी बात कि इस कॉलेज के अंदर गर्ल्स हॉस्टल्स और बॉयज़ हॉस्टल ये दोनों हैं। सो यहाँ पे जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे भी रह सकते, और एक कैंटीन भी है, पर वो कैंटीन अभी बंद थी इसलिए हम आपको ज़्यादा दिखा नहीं सके, कैंटीन के अंदर हम जा नहीं सके, फूड ट्राई नहीं कर सके। सो आपको वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपने हमारे बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की वीडियो नहीं देखेंगे तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। और आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते होंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर करो यार, सपोर्ट करो थोड़ा हमारे चैनल को। सो थैंक यू गाइज, और बाय बाय।